आज हम बुद्धा फूड्स में आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबाद का एक स्पेशल वेराइटी बगारा बैंगन। इसका स्वाद खट्टा, तीखा और थोड़ा सा मीठा का परफेक्ट बैलेंस है। हैदराबाद में ये डिश खासकर शादियों और त्योहारों में ज़रूर बनाया जाता है। ये प्लेन राइस के साथ, बिरयानी के साथ और बगारा राइस के साथ खाया जाता है। चलिए दोस्तों, बनाते हैं बगारा बैंगन। बगारा बैंगन के लिए हमें चाहिए बैंगन, छोटे बैंगन, प्याज, हरी मिर्च, और मसाले के लिए हमें चाहिए मूंगफली दाना, तिल, साबुत धनिया, सूखा नारियल, इमली का पानी, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ी सी चीनी। जो हैदराबाद में बैंगन मिलता है वो टोटली अलग है, उसके ऊपर कांटे होते हैं। दिल्ली में ऐसे बैंगन नहीं मिलता, जो यहाँ पर मिलता है उससे हम बना रहे हैं। पहले इन सब मसालों को फ्राई करना है बिना तेल के। ड्राई फ्राई करना है इनको। हम ये सब अलग अलग से फ्राई करते हैं क्योंकि हर एक का फ्राई होने का समय अलग अलग है। मूंगफली ज़्यादा समय लेता है, तिल के लिए समय नहीं लगता, धनिया के लिए भी बिल्कुल समय नहीं लगता, इसलिए पहले जो लंबा समय लेता है उसको पहले फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, कच्चापन जाना है इससे। फ्राई हो गया है, अलग से ले लेंगे। अभी तिल, ये भी इसमें डाल दीजिए। धनिया को भी ज़्यादा नहीं, खाली इसको गरम करना है। अभी नारियल, सूखा नारियल, अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो फ्रेश नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा तेल डालकर प्याज को भूनेंगे। अभी गरम तेल में प्याज और दो लाल मिर्च कलर वाली और हल्का सा नमक डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज का कच्चापन चला जाए तब तक हमें फ्राई करना है। फ्राई हो गया है, अभी इसमें अदरक भी डालकर गैस ऑफ कर देते हैं। और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। इन सभी मसालों को हमें ग्राइंड करना है। इसमें नमक, हल्दी, इसको अच्छी तरह पीसेंगे।
देखिए अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है। बघारा बैंगन कई तरह से बनता है। कुछ लोग पहले बैंगन को फ्राई करके उसके बाद मसाला दोनों ऐड कर देते हैं, और कुछ लोग बैंगन में स्टफिंग करते हैं। मैं भी बैंगन में स्टफिंग करके बना रही हूँ। इसके लिए एक बोल में पानी ले लीजिए और हल्का सा नमक डालें ताकि बैंगन काला ना पड़े। अगर चाहिए तो आप इस डंठल को रख सकते हैं, नहीं तो निकाल दीजिए। और इस बीच में चारों स्लिट कर दीजिए और देख लीजिए कि साफ़ है अंदर। देखिए कितना साफ है। पैन गरम करते हैं, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और हरी मिर्च को बीच में से काट कर उसको 2 टुकड़े करेंगे। तेल गरम होने तक हम बैंगन में स्टफिंग करेंगे। अंदर तक अच्छी तरह भरिए। साथ ही साथ तेल भी गर्म हो गया है। इसमें सरसों, जीरा, हल्का सा हींग, हल्दी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, साथ ही साथ ही बैंगन डाल दीजिए। स्टफिंग में हमने नमक डाल दिया है, खाली बैंगन के लिए थोड़ा सा। अच्छी तरह मिक्स करके बैंगन पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। अभी बैंगन आधा पक चुका है। इस समय हम इसमें जो बचा हुआ मसाला और इमली का पानी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा चीनी इसको अच्छी तरह मिक्स करके ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। 1/2 ग्लास ऑफ वाटर। धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। बैंगन अच्छी तरह पक चुका है। लास्ट में हम धनिया डालेंगे। और गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्विंग बोल में डालेंगे।
बघारा बैंगन तैयार है। इसके साथ हम बना रहे हैं बघारा राइस। बघारा राइस में बहुत सारे मसाले डलते हैं, आपको पता है बुद्धा फूड्स में हम इतने मसाले नहीं डालते। कम मसालों में कैसे हम अद्भुत टेस्टी बघारा राइस बनाते हैं देखिए दोस्तों। बघारा चावल के लिए हमें चाहिए चावल 1 कप लिया मैंने, शाजीरा, अदरक, लौंग, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, इसके लिए हमने 1 प्याज लिया है, इसको बारीक काट के रखेंगे। और हरी मिर्च को भी अभी गैस को ऑन करते हैं, इसमें तेल डालेंगे 2 टेबलस्पून, इसमें 1/2 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं अच्छे खुशबू के लिए। इसमें मैंने शाजीरा डाला है, अगर आपके पास शाजीरा नहीं है जीरा डाल सकते हैं, और 2 लौंग। ये फ्राई हो गया है, अब इसमें प्याज, हरी मिर्च डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। और उसमें फ्लेवर्स उभर के आ जाएं। जब तक ये प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाता है हम मसाला को तैयार करते हैं। थोड़ा सा अदरक, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसको पीस लेंगे। इस मसाले को प्याज के मिक्सर में डाल देंगे, एक कप चावल के लिए 2 कप पानी डाल के रखा है मैंने, ऑलरेडी भिगो कर रखा है 1/2 घंटे के लिए, तो ये सब इसमें डाल देंगे अभी। जिसमें भिगोया है उसी पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पुदीने के पत्ते भी इसमें डाल दीजिए। दो विजल आ गया है, अभी गैस को बंद कर देते हैं। चावल भी पक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। बघारा राइस बघारा बैंगन के साथ अद्भुत कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खिलाइए।